प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का है तीसरा दिन। आप सभी को तीसरे दिन की नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, पूजा पाठ हो गई है और आज जो है मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। मेरी नींद ही नहीं खुली पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी 5:30 में मैं उठ गई थी और पूजा पाठ सब हो गई है और अब मैं बनाती हूँ चाय और हस्बैंड का खाना। आज तो दोनों बच्चों का व्रत है। तो दोस्तों, सुबह से वही दिनचर्या रोज का शुरू हो गया मेरा। क्या आप सभी का है यही रूटीन रहता होगा कि सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ, फिर खाना पीना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो। तो दोस्तों वही आज तो, लेकिन बच्चों की छुट्टी है। आजकल बच्चे एक दिन स्कूल जा रहे हैं, फिर एक दिन छुट्टी हो जा रही है। तो ऐसा है कि अभी मैं पहले खाने की तैयारी करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ नीचे, और दिन में पार्लर में भी क्लाइंट है। तो आजकल जो है रूटीन थोड़ा बिजी है, और नवरात्रों के बाद जो है उसके बाद तो और ज़्यादा बिजी हो जाएगा, क्योंकि नवरात्रों के बाद सीधे हमारा शादी का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो फिर नहीं मिलती है फुर्सत। तो अभी जो है मैं पहले चाय बनाती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो किचन वगैरह आजकल मैं पूरी रात को समेट के रख दे रही हूँ, और खाने की भी तैयारी। हस्बैंड तो मना कर रहे हैं कि तुम्हारा व्रत है तो कुछ मत बनाओ, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली भूखे पेट भेजूँ, तो खाने की तैयारी करती हूँ। दोस्तों सारा कुछ हो गया, हस्बैंड को खाना वाना खिला के भेज दिया है, मीठी भी आ गई है पूजा करके, क्योंकि इसका ही फास्ट है। मेरी मम्मा मैं आज रख लेती हूँ फास्ट, और अक्षत का तो परसों भी था, कल भी था और आज भी है। और ये भी जिद करी थी कि मैं 9 के 9 व्रत रखती हूँ, पर मैंने इसे मना कर दिया, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई, फिर ट्यूशन, फिर कराटे, इसकी तो ज़िंदगी बहुत भागम दौड़ है। तो इसलिए मैंने बोला तू मत रख फिर। और अक्कू जो है वो मान नहीं रहा, वो कह रहा मैं व्रत रखूँगा। और हस्बैंड को खाना वाना खिला के तो मैंने भेज दिया है, और अब है बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ, क्योंकि मीठी ने जाना है ट्यूशन। स्टेला इस सीजन का फर्स्ट मैंगो खा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो, मेरे को लेने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंगो है, अभी देखना मैं इसे ले रही हूँ। माय गॉड, नो, मेरे को लेने नहीं दे रही है ये आम। स्टेला, गाइस ये मेरे को आम ही दिखाने दे रही है, लेकिन ये देखो यहाँ पे, और ये बच्ची चिल्ला और ये इतनी ज्यादा। हाँ मैं खा थोड़ा रही हूँ तुम्हारा आम, क्यों तुम्हें दिया था मैंने तमीज की। ऐसे आम से इतना ज़्यादा प्यार है ना, मैं क्या ही बताऊँ। एंड इसका फर्स्ट आम है इस सीज़न का, सो शी इज़ वेरी हैप्पी। तो यहाँ जो है मैंने बच्चे को प्रणाम, लाल पट्टी का था, बच्चा खुश रहा, गॉड ब्लेस। नैतिक ने जो है अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा पिटा है वो। तो दोस्तों इतना बदतमीज है वो, और आज जो है उसको मार पड़ी। सुबह से बहुत परेशान कर रहा था अपनी मम्मी को, मतलब जो है कि नहाने नहीं जा रहा था, परेशान कर रहा था, बड़े 2-4 थप्पड़। अक्षत की चल रही है ऊपर पूजा, देखिए शंख बजा रहा है। तो अक्कू जो है अपने हाथ से नहा धो के पूजा पाठ करके शंख बजा रहा है, पूजा पाठ करने चला था। तो तुम बड़ी हो बेटा, वो छोटा है। अब मीठी की तैयारी हो गई है ट्यूशन जाने की। संडे के दिन नहीं, छुट्टी वाले दिन ये सुबह जाती है ट्यूशन, ठीक है ना। शाम को कराटे के लिए टाइम मिल जाता है। अभी आ गया पूजा करके, तो यहाँ जो है मैं इसको लगाती हूँ टीका। टेढ़ा मत लगाना, सीधे रखो सर, सीधे रखो। हाँ मम्मा मैंगो दे दो, और तो छोटे बच्चे ने वैसे इतने व्रत रहे से खुश रहो। मैंगो दे दो, दे रही। पूजा घर क्या जाता है, तो मैं इसको देती हूँ फल फ्रूट्स, फिर मिलती हूँ। तो आज आंटी ने जो है छत पूरी साफ कर दी, क्योंकि छत माली ने कल इतनी गंदी कर दी थी कि पूरी छत में गंदगी, मिट्टी मिट्टी फैल चुकी थी। तो आंटी ने धो धा के छत को सुंदर बना दिया, और अखंड जोत भी चल रही है माता रानी की, वो तो मैंने चेक कर लिया। काम के साथ साथ 10 बार मुझे ऊपर नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि पार्लर में है क्लाइंट। ये स्टेला मुझसे पहले पहुंच जाती है, जैसे घंटी पहुंचती है तो पहले ही आ जाती है। वो तो चले गए। तो दोस्तों करती हूँ आईब्रो। तो बच्चों को चाय और मखाने फोन के दे दिए हैं, और मैं जा रही हूँ कीर्तन में। तो अब मैं करती हूँ अपना चेंज, और लुक चेंज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। आज आपको बहुत अच्छे
कीर्तन सुनने को मिलेंगे और साथ में आपको माता रानी के भी दर्शन होंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा कीर्तन में। तो दोस्तों यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार कीर्तन में जाने के लिए। तैयार तो क्या, साड़ी पहनी और फेस वॉश किया और बन गई सुंदर। अब जा रही हूँ पार्लर, दादी और रेनू संभालेंगे। तो कीर्तन के लिए थोड़े से फूल तोड़ लेती हूँ यहाँ से। इन दिनों मेरा ये वाला गुलाब बहुत ही अच्छा खिल रहा है, एक तोड़ के ले जाती हूँ। प्यारा सा गुलाब, आज मुझे अकेले जाना पड़ रहा है कीर्तन में। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अकेले, क्योंकि आज इधर कोई आ नहीं रहा है कीर्तन के लिए, मतलब मेरी तरफ से कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे जो है अकेले ही जाना पड़ रहा है। ये आवाज़ जो है यहाँ तक आ रही है, जय हो मैया। तो यहाँ कीर्तन की आवाज़ गूंजने लग गई अभी से, जय हो मैया। भजन हो चुके हैं और जाते हैं घर। तो दोस्तों प्रसाद बट रहा है। तो पहुंच चुकी हूं मैं घर कीर्तन से और स्टेला आते खुश हो गई है। पार्लर महकला इन तब जाती हूं सीधा पार्लर। लाइट नहीं है यार, चलो बना दो। दोस्तों पार्लर से चली गई है क्लाइंट, वहां से आते सीधे मैंने जो है पार्लर में किया काम। अब जो है मुझे खाना वाना बनाने की तैयारी करनी है, क्योंकि अक्कू का तो है फास्ट। यार लॉक कर देती हूँ, मीठी तो नहीं आ रही। जल्दी आओ बेटा, मैं लॉक लगा रही हूँ। तो मेरे बच्चे आ गए कराटे से, आ गए बच्चों। भाई हाँ भाई, हमें फॉर्म भरना। क्या बेटा वो फॉर्म में? चलो मुझे खाने की तैयारी, बोतल ऊपर लेके आना। सो गाइस मामा आ चुके हैं एंड अब मामा लग गई है खाना बनाने। तो दोस्तों किचन से मुझे इतना ज्यादा लेट हो गया है और अक्कू और मिट्टी का व्रत है, इसलिए जो है फटाफट खाना बनाना, उसके बाद हम लोग करेंगे घर में। यहाँ जो है मैं फटाफट खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। इधर चढ़ा दी मैं सूखे चावल, सूखे आलू और उधर बन रहे छोले। इधर मैं टमाटर काट के छोले की तैयारी करके जाती हूँ सीधा करने, मेरे बच्चों को। गाइस हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। क्या है भूख भूख जला लो, फिर करेंगे आराम से। सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं, सब लोग पूजा की तैयारी हो रही है। फर्स्ट भजन स्टार्ट हो जा।
तो दोस्तों अब हो चुका है आपसे अलविदा लेने का टाइम, कल मिलते हैं अपने को नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।